हालेलुया। आए प्यारो प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाए, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तो मेरा भी प्रभु है। हालेलुया। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो पीढ़ियों तक विश्वास योग्य बने रहने वाला खुदा, वो आपका प्रभु है। अब्राहम के प्रति वो विश्वास योग्य बना रहा और अब्राहम को जो प्रॉमिस दी थी वो ही प्रॉमिस को प्रभु ने इसहाक के जीवन में भी पूरी की, वही प्रॉमिस को याकूब के जीवन में भी पूरा किया। वो पीढ़ियों तक विश्वास योग्य बना रहने वाला खुदा है। हालेलुया। आज यीशु का हाथ आपने पकड़ा है, न सिर्फ वो आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहेगा, आने वाली जनरेशंस भी आशीष पाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो सिर्फ इब्राहिम का परमेश्वर नहीं है, वो इसहाक का भी प्रभु है, वो याकूब का भी परमेश्वर है और इज़राइल पूरी प्रजा का परमेश्वर है। हमारा भी वो खुदा है, जनरेशंस तक, पीढ़ियों तक वो विश्वास योग्य बना रहने वाला खुदा है। हालेलुया। आए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाए। परमेश्वर है जिसके हाथ में आपका कल था, जिसके हाथ में आपका आज है और आने वाला कल भी, वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। हाथों को उठाए और कहे, प्रभु तू पीढ़ियों तक विश्वास योग्य बना रहेगा। तू कल विश्वास योग्य था, तू आज भी विश्वास योग्य है और आने वाले कल में भी तू विश्वास योग्य रहेगा। फिकर न करे कल की प्यारो, फिकर न करे कल की, फिकर न करे आपके बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। जिसके
जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल, वो मेरा है। हालेलुया। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, एक और बार विश्वास से गाए, जिसके हाथ में, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कल, वो मेरा है। गायो ची आवाज, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हालेलुया, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। प्रभु तू है, पीढ़ियों तक विश्वासियों के रहने वाला खुदा तू है। आपको खुदा कर गए, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। में था प्यारो, वो आज भी हमारे साथ है। वो सब्त बनकर परमेश्वर के संग था, यीशु मसीह, और वो ही शब्द देह धारण कर इस संसार में आया, और वो ही शब्द यीशु मसीह ने कहा, देखो इस संसार के अंत तक मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया। जो आदि में था वो आज भी है, वो आपके साथ है। हालेलुया। आई उस महिमा देते हुए गाए, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा मेरा है। अब्राहम
विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है मेरे खुदा, मेरे खुदा। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, मेरा है अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का, याकूब का प्रभु। तू मेरा है, गाइए आवाज में अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। तू मेरा है, हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। सुनिए प्रभु का वचन आपके लिए। अगर ये वचन पर विश्वास करते हो तो उसे स्वीकार करना। यशाया 46:3 में प्रभु का वचन कहता है, हे याकूब के घराने, इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों को मेरी ओर से कान लग, बचे हुए लोग मेरी ओर से कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से फिरता आया हूं। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर, जिसे आपको उठाना नहीं पड़ता, वो आपको उठाए रखे। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से फिरता आया हूं। वो आपको उठाए, मतलब बच्चा जब थका हुआ होता है तुरंत वो बाहें फैलाता है अपने मम्मी की ओर या तो पापा की ओर। मम्मी पापा क्या करेंगे, तुरंत उनको उठा लेंगे। हालेलुया। आप थके हुए हो, निराश हो, चिंता में डूबे हुए हो, प्रश्न में हो, आपको लगता है मैं अब आगे एक कदम नहीं चल पाऊंगा, फिक्र न करें, वो आपको उठाकर चलने वाला खुदा है, वो आपको उठाकर चलेगा। हालेलुया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। हालेलुया। ना वो सिर्फ आज आपके विश्वास योग्य बना रहा है, वो कल भी विश्वास योग्य रहेगा। कब तक वो विश्वास योग्य रहेगा? यहां पर कई छोटे बच्चे, आप बूढ़े हो जाओगे ना तब तक। हालेलुया। बोलिए, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब तक मेरा खुदा विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। भले व्हाइट बाल डाई करके काले कर लो, लेकिन बाल पक जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे, तब तक वो विश्वास योग्य बना रहेगा। हालेलुया। ये बालों को पकड़ कर कहे, मेरे बाल जब व्हाइट हो जाएंगे तब तक मेरा प्रभु विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता हूं। हालेलुया। आपको फिक्र नहीं करनी है आगे क्या होगा, आगे जो भी आए आपके कदम वहां नहीं पड़ेंगे, कदम तो परमेश्वर के होंगे। आप तो उसकी बाहों में होंगे, आप उसके हाथों में होगे। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें लिए फिरता हूं, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा करोगे, मुझे किसके समान बताओगे? प्रभु कहता है, मेरे जैसा विश्वास योग्य कोई नहीं है। हाथों को उठाए, प्रभु से कहे, प्रभु तू विश्वास योग्य है, तू मेरे बुढ़ापे तक विश्वास योग्य बना रहेगा। प्रभु तू मुझे उठाए लिए फिरता है, मुझे गिरने की फिक्र नहीं है, क्योंकि कदम मेरे नहीं आगे बढ़ रहे, कदम तो परमेश्वर के होंगे। मैं तो उनकी बाहों में हूं, मैं तो उनकी बाहों में सुरक्षित हूं। अब्राहम का प्रभु,
इसहाक का प्रभु, हाथों को उठा कर गाए, याकूब का प्रभु वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। हाथों को उठा कर गाए, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु इस परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस दे रखे थे कि मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरा और तेरे आने वाली जनरेशन पीढ़ियों का प्रभु ठहरूंगा, मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा, मैं तुझे और तेरे संतानों को आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का कवनेंट था, बोले कवनेंट, करार। हालेलुया, प्रभु उससे कभी नहीं मुकरे। परमेश्वर के दास अब्राहम का बेटा आइज़क इसहाक, उसके लिए लिखा गया है, और उस देश में अकाल पड़ा जो अब्राहम के दिनों में भी पड़ा था। उसके बेटे के जीवन में तकलीफ आई, अकाल था, और जैसे हमने आगे भी समझा था, वो समय में अकाल मतलब खत्म, क्योंकि उनका जो भी धन गनो प्रॉपर्टी गिनो वो भेड़ बकरिया ही थे, और अकाल के समय में घास वास कुछ नहीं होता, मतलब सब खत्म होने पर था। लेकिन तब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, बोले जैसे अकाल आया तुरंत, बोले तुरंत प्रभु ने आइज़क को दर्शन दिया, इसहाक को दर्शन दिया, और प्रभु ने उससे कहा मिस्र में मत जा, और फिर जो प्रभु कहता है तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इब्राहिम के संग थे, प्रभु इसहाक के संग भी थे। कठिन हालात में प्रभु ने इसहाक को कहा मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उससे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रभु विश्वास योग्य है। जो प्रॉमिस वाचा है, वचन प्रभु ने आपको दिया है, वो न सिर्फ आपके जीवन में वो पूरा करेगा, आपके बच्चों के जीवन में भी वो पूरा करेगा। इसहाक के जीवन में जैसे संकट आया, प्रभु ने कहा उसे दर्शन देकर तुरंत दर्शन दिया और कहा मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाए और कहिए प्रभु तू मेरे संग है, तू मेरे बच्चों के संग है। संकट के समय में, तकलीफ के समय में, अकाल के समय में,
मुझे मेरी फिक्र नहीं करनी है, मेरे बच्चों की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि तू हमारे संग रहने वाला खुदा है। हालेलुया हालेलुया। आए प्रभु को महिमा दे, फिर से गाए। अब्राहम का प्रभु इसहाक के बेटे की, और उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। वचन कहता है 20 वर्ष तक उसने अपने ससुर की गुलामी की, 20 साल। 14 साल उसने अपनी पत्नी के लिए, और 6 साल भेड़ बकरियों के लिए, और उसके ससुर ने 10 बार उसका जो वेतन था, उसको जो मिलना चाहिए, 10 बार चीटिंग करी, 10 बार उसे जो प्रॉमिस करी थी वो नहीं किया, 10 बार उसको चीट करके उसका जो मिलना मजदूरी मिलनी चाहिए थी उसे बदल दिया। लेकिन वो कहता है मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक की मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू मुझे अब छूछे हाथ जाने देता। याकूब कहता है मेरे दादा का प्रभु और मेरे पिता इसहाक का प्रभु वो मेरे साथ था, 20 साल तूने मुझे चीट किया, मेरी मजदूरी नहीं दी, तूने मुझे मजदूरी नहीं दी, तूने मेरी ओर नहीं देखा, तू मेरा ससुर था, लेकिन एक था जो मेरी ऊपर नजर रखे हुए था, वो मेरे दादा का परमेश्वर, वो मेरे पिता का परमेश्वर। अगर वो नहीं होता तो मैं खाली हाथ जाता, छूछे हाथ जाता, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूं,
प्रभु का वचन कहता है याकूब को प्रभु ने बहुत कुछ दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है याकूब ने कहा मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर प्रभु ने बीती रात में तुझे जपटा। हालेलुया। प्रभु उसके ससुर को डांटते हैं, वो उसका नुकसान करने जा रहा था, 20 साल तो किया ही उसके पीछे लगा था उसे नुकसान करने के लिए, प्रभु बीच में आकर खड़ा रह गया, क्योंकि वो इब्राहिम की प्रति विश्वास योग्य रहने वाला खुदा है, वो इसहाक के प्रति विश्वास योग्य रहने वाला खुदा है, और वो याकूब के और भी विश्वास योग्य रहने वाला खुदा है। हालेलुया। याकूब 20 साल सहते रहा लेकिन प्रभु ने आखिर में उससे ब्लेस किया। हालेलुया। आप में से कई लोग दुख से, संकट से, तकलीफ से होकर पसार होते होंगे, फिक्र नहीं करे, आपका परमेश्वर सोने वाला खुदा नहीं है, वो ना सोता है, वो कभी भी सो नहीं जाता। हालेलुया। वो सदा जागता रहने वाला प्रभु है, उसकी नजर आपके ऊपर है, वो आपको देखता है, आपको न्याय नहीं होने देगा, किसी को भी आपको छूने नहीं देगा, किसी को भी आपका नुकसान नहीं करने देगा, वो आपको प्रतिफल देगा, वो आपको देख रहा है प्यारो, फिक्र नहीं करे, भले 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कितना भी समय बीत गया, वो आपको आशीषित कर ही रहेगा, क्योंकि वो इब्राहिम के प्रति भी विश्वास योग्य रहने वाला खुदा है, इसहाक के प्रति भी विश्वास कर रहने वाला खुदा है, और वो याकूब के प्रति भी विश्वास योग्य रहने वाला खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। वो पीढ़ियों तक विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। आया हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा देते हुए गाए जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा खुदा है। Yeah.
सके। प्रभु हम भी तेरी और विश्वास योग्य बने रहे, तेरे लिए जिए प्रभु, जिए हम तू बड़े में कटू, तू बड़े मैं कटू, मैं जीवन से विश्वास योग्य रहेगा प्यारो, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। सवाल कई बार हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु तू कहां है? एकदम गलत सवाल है। सवाल ये नहीं है प्रभु तू कहां है, सवाल सही सवाल ये है कि मैं और आप कहां है। वो तो विश्वास योग्य है ही है, उसे पूछने की जरूरत नहीं है। प्रभु तेरी विश्वास योग्यता का क्या हुआ, तेरे प्रॉमिस का क्या हुआ,
तूने मुझे वायदा दिया था, वचन दिया था, उसका क्या हुआ ये उससे पूछने की जरूरत नहीं है। प्रश्न हमें खुद अपने आप को पूछने की जरूरत है, मेरे वायदे का क्या हुआ, मेरी प्रॉमिस का क्या हुआ, मैं कहां हूं। परमेश्वर ने आदम को बुलाया, चिल्लाकर पुकार कर कहा, आदम तू कहां है। वो तो विश्वास योग्य है ही है। प्रभु आप में से कुछ लोगों को हमको कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू कहां है, तू कहां है। आज प्रभु से कहे कि प्रभु तू अनुग्रह मुझे दे कि तू जैसे विश्वास योग्यता में कायम है, मैं भी तुझे विश्वास योग्य बना रहा हूं। मेरा जीवन सिर्फ तेरे लिए हो प्रभु, मेरे जीवन में सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, मेरी मर्जी पर न चलो, मैं तेरी मर्जी के अनुसार जियो, मेरी खुशी के लिए ना करो, तेरी खुशी के लिए हर एक काम करो प्रभु। तब वो आशीष आप देख पाओगे प्यारो, जो प्रभु ने लिया, प्रभु ने आपके लिए ठहराई थी। इब्राहिम के लिए लिखा है, वो प्रभु की बातों पर पक्का रहा, कठिन हालात में टेस्ट ली गई, एक का एक बेटा, एक लौता बेटा मांगा गया, वो पीछे नहीं हटा। आइज़क इसहाक विश्वासियों के बना रहा, वो हर शाम को प्रभु से मिलने के लिए, मनन करने के लिए, क्वाइट टाइम करने के लिए खेत में जाता था। याकूब विश्वासियों के बना रहा, प्रभु को उसने भी पकड़े रखा, इतने साल उससे उसके साथ गलत हुआ, कभी ये नहीं कहा प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया, मैं अब तेरे साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता। 20 साल तक याकूब भी विश्वास योग्य रहा। प्रभु विश्वास योग्य, जरूरी ये है हम प्रभु से कहें प्रभु मैं भी विश्वास योग्य बनो। हाथों को उठा कर कहे, खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। समर्पित करते हुए पूरे दिल से गाए, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरे हाथों में, मेरा जीवन समर्पण करे तेरा खुदा, तू बड़े, तू बड़े, मैं कटू
प्रभु याकूब का प्रभु तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु तू मेरा भी प्रभु। ताली बजाकर वो पीढ़ियों तक विश्वास योग्य रहने वाले खुदावंत को धन्यवाद दीजिए, जो आपके बुढ़ापे तक आपके साथ रहने वाला है, वो कभी भी अविश्वास योग्य नहीं ठहरा। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं, आप विश्वास योग्य प्रभु हो, आप पीढ़ियों तक विश्वास योग्य बने रहते हो, आप अब्राहम को भी विश्वास योग्य रहे, इसहाक को भी और याकूब को भी आपने नहीं छोड़ा, और पीढ़ियों तक पूरी इसराइल प्रजा के इतिहास तक आज भी आप उनके साथ हो, और विश्वास से हम भी इब्राहिम की संतान है, और आज आप भी हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहो प्रभु। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके हरे प्रॉमिसों के लिए धन्यवाद। आप हमारे बुढ़ापे तक विश्वास योग्य बने रहने वाले खुदा हो, हमारे बाल पकने तक विश्वास योग्य बने रहने वाले खुदा हो। आप हमें उठाकर चढ़ते हो प्रभु, आप हमें खीरने नहीं देते, आप हमें लज्जित नहीं होने देते। हमारा कल आपके हाथ में सुरक्षित था, हमारा आज भी आपके हाथों में सुरक्षित है, आने वाला कल भी आपके हाथों में सुरक्षित है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा भविष्य लिखा गया है यीशु के हाथों में, हमारा भविष्य सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। आदर मान और सम्मान प्रभु हम आपको देते हुए दुआ करते हैं, आप जैसे विश्वास योग्य हो हमें भी अनुग्रह दीजिए, जैसे इब्राहिम, जैसे इसहाक, जैसे याकूब विश्वास योग्य बने रहे, हम भी आपकी और विश्वास योग्य बने रहे। हमारी दुआ यीशु मसीह नाजरी के नाम से, हमारी आराधना को कबूल करिए प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मिलकर कहे आमीन।